परेशानी तो सर बात ऐसी है कि अजमेर में सिर्फ ऊंट मेला 808वां ऊंट मेला है, खाली ये सफाई के नाम पर खाली लिपा पोटी करी जा रही है, खाली पेपरों के अंदर। सदगुरु डिजाइनर वेडिंग कलेक्शन, हैंड पिक्ड फैब्रिक्स एंड प्रीमियम ब्रांड्स, सदगुरु स्टोर नगीना बाग अजमेर। सफाई के नाम पर कुछ नहीं है, ये रेलवे स्टेशन का हाल आप खुद देख लो, कब से मतलब प्रशासन कितनी बार तो आपकी बाइट के अंदर भी कई बार बोल चुके हैं, बाकी सफाई व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं है, कोई आता नहीं कर्मचारी को सफाई करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा मतलब महामारी का खतरा और अजमेर शहर का बिल्कुल मेन रेलवे स्टेशन के बाहर की ये बात है, और ये आप खुद देख लो, यहाँ पब्लिक खड़ी है, मतलब पब्लिक यहाँ बैठ नहीं सकती, टेम्पो के अंदर ना ये बस स्टॉप के ऊपर बैठ सकती है, मतलब और मतलब इतनी गंदगी व्याप्त है कि आप लोग का सफाई कर्मचारी आता ही नहीं ना देखता, और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, निंदनीय है, बहुत अजमेर में चल रहा है, बाहर की पब्लिक आ रही है, परेशान हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, आके यहाँ बैठते हुए चाहे थोड़ी देर बैठते वापस जमन हो जाती है, कई लोगों की तबीयत खराब होती है यहाँ बैठे बैठे बीमारी के नगर निगम शिकायत करी, नगर निगम को बोला भी है, बाकी कोई सुनता ही नहीं है, तो ऊंट मेला चल रहा है, जब भी जाते हैं कि ऊंट मेला चल रहा है, सब वहाँ लगे हुए ऊंट मेले में, तो ऊंट मेले में लगा रहा तो ऊंट मेला वहाँ है कि स्टेशन पर भी तो पब्लिक आ रही है ना, रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से ही पब्लिक आ रही है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, कोई साफ सफाई नहीं है, कोई कर्मचारी नहीं है साफ सफाई करने वाला, यहाँ पे परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशान रहती है पब्लिक, मतलब जब बैठती है परेशान रहती है कि भैया जल्दी चला है, हमारी तो हालत ख़राब हो रही है, चीज़ों की तबीयत ख़राब हो चुकी है यहाँ पे, और बीमारी मतलब बीमारी फैल रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, कई तो बेचारों के कीचड़ पेड़ भर चुके हैं, कई तो गिर चुके हैं यहाँ पे, और सामने दरगाह है, और यहाँ मतलब कोई व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं है, पहले लिपा पोटी कर रखी पेपर के अंदर, क्या भाई साफ सफाई अंदर अजमेर शहर में कर रखी है, भाई कोई साफ सफाई नहीं है, स्मार्ट सिटी अजमेर शहर को स्मार्ट सिटी बना रहा है, स्मार्ट सिटी ये है अजमेर का। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सजाद है। अरे भैया गुजरात से आया हूँ, और स्टेशन से बाहर निकलते ही ये गंदगी, ये हालत है यहाँ की मतलब कोई सुनता नहीं है क्या, इतनी हालत है अजमेर की, अजमेर का इतना अच्छा नाम है और ये हालत है, आते ही बदबू दिमाग ख़राब हो गया, आते ही कहाँ पर आए हो आप? मैं दरगाह आया उसके अंदर, वो आते ही ये हालत है बाहर, ये स्टेशन के बाहर है। आपका नाम? मेरा नाम है अब्दुल कलीम। हम हैदराबाद से आए हुए हैं, यहाँ पर ये पानी जमने की वजह से हम ज़्यारत के लिए जाने बहुत तकलीफ़ हो रही है, आने जाने और ज़ायरीन को, ये बहुत गंदी बात है, और गंदा पानी लेकर दरबार में जाना पड़ रहा हमको, हाँ ये यहाँ की MCH का जो काम ठीक से नहीं है, MCH को वो चाहिए कि ये सब साफ सफाई करें, ठीक है। मेरा नाम शेख सलीम है। हाँ बहुत परेशानी हो रही है पानी सामने रहने से, स्टेशन दरगाह को जाके आते आते बहुत परेशानी हो रही है। आज जो छठी की रसम है उसमें जाने में परेशानी हुई क्या आपको उधर का? नहीं जाने परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी हो रही। किस जगह पानी भरा हुआ है? हाँ पानी किस जगह भरा हुआ? स्टेशन के सामने। आप कहाँ से आए हो? हैदराबाद से। आपका नाम बताओ? शेख अकबर।